सूखे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सुखाड़ को लेकर आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक है। राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार विमर्श करने को लेकर ये बैठक, जिसमें रिपोर्ट तैयार की जाएगी राज्य में सूखे की स्थिति की, और इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। झारखंड के 256 प्रखंड में सुखाड़ जैसे हालात हैं। बैठक में मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं। सूरज, सुखाड़ की स्थिति को लेकर और इन स्थिति में जो लोगों को, किसानों को खासकर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, किन विषयों पर चर्चा होनी है? देखिए दीपक, निश्चित तौर पर आज छुट्टी के दिन के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, और खासकर इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और इस बैठक में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के जो सचिव हैं वो भी रहेंगे, साथ ही झारखंड के जो मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह के साथ विभागीय अधिकारी भी यहां पर मौजूद होंगे। जाहिर तौर पर आपने देखा कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने दो बार सुखाड़ की स्थिति को लेकर बैठक की, और बैठक के दौरान कई रिपोर्ट उन्होंने अधिकारियों से मंगवाई, और उस रिपोर्ट के दौरान उन्होंने विचार विमर्श भी किया, काफी मंथन भी की। और उसी के दरमियान जो अभी रिपोर्ट जो आई हाल के दिनों में, उसमें यह कहा जा रहा है कि राज्य के तकरीबन 256 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है, और ऐसे स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कुछ करेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री अपने अध्यक्षता में बैठक के दौरान राय शुमारी करेंगी, और कहा यह भी जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार करने के बाद इन तमाम चीजों को वो केंद्र सरकार को भेजेगी, और केंद्र सरकार से स्थिति से विचार करने के बाद केंद्र सरकार को सूखा घोषित करने की वो अनुशंसा भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सुखाड़ की स्थिति जो अभी हाल के दिनों में बनी हुई है उसे लेकर सरकार गंभीर है, और सरकार इस पर आज विचार करके सारी रिपोर्टें केंद्र सरकार को भेजेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है सुखाड़ को लेकर। और आपने देखा कि दो दिन पहले नीति आयोग की टीम भी आई हुई थी रांची में, और अधिकारियों से कई विषयों पर उन्होंने बैठक की। कहा यह भी जा रहा है कि नीति आयोग की जो टीम है वो सुखाड़ पर भी यहाँ पर अधिकारियों से कई चीजों की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने मांगी थी, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट के आधार पर आज की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। अब ये देखना कि बैठक के बाद क्या कुछ सरकार निर्णय लेती है। दीपक, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर जो हालात बने हैं राज्य में, जिस तरह का नुकसान किसानों को देखने को मिला है, सरकार पहले से ही भरपाई को लेकर सचेत दिख रही थी, अब ये नीति आयोग की टीम का इफेक्ट माना जाए कि सरकार इस विषय को लेकर और भी तत्पर हुई है, सक्रियता देखने को मिल रही है? निश्चित तौर पर कह सकते दीपक, तीन सदस्य टीम की यहाँ पे दो दिवसीय दौरा थी, और इस दरमियान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके अलावे रांची के पिठौरिया इलाके में कई किसानों से वो मुलाकात भी उनकी तीन दिवसीय टीम ने किया भी था, और खासकर इससे पहले भी आपने देखा था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आपदा को लेकर बैठक बुलाई थी, सुखाड़ को लेकर बैठक बुलाई थी, और पहली बैठक में उन्होंने तमाम अधिकारियों को रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से, यानी जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट है, सभी जिलों के रिपोर्ट बनाने को कहा गया था अधिकारियों को, और अधिकारियों ने समय लेके एक रिपोर्ट भी तैयार करके मुख्यमंत्री को सबमिट की थी, और मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट के आधार पर बैठक भी की थी, लेकिन उस समय नतीजा सामने कुछ भी नहीं आई। लेकिन आज कह सकते हैं कि 254 प्रखंडों की जो स्थितियां बनी हुई सुखाड़ को लेकर, उस सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट के आधार पर आज बैठक करेंगे, और बैठक के बाद जो निर्णय होगी वो केंद्र सरकार को वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, सौंपेंगे, उसके बाद संभवतः सुखाड़ की जो स्थिति बनी हुई है प्रदेश में उसे सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार मांग कर सकती है, एक विशेष पैकेज की भी वो मांग कर सकते हैं। सूरज बने रहे हमारे साथ है। तो सुखाड़ की स्थिति को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, तमाम विभागीय सचिव इस बैठक में शामिल होंगे, और संभावना है कि इस बैठक में झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट तैयार होगी वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, और संभव है कि सरकार झारखंड को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने की केंद्र से अनुशंसा करे। इधर रांची सहित पूरे राज्य में बिजली संकट गहराता दिख रहा है। लोड शेडिंग के वजह से प्रभावित हो रही है विद्युत आपूर्ति।
एनटीपीसी फरक्का में बिजली सप्लाई में कटौती हुई है और रांची को 350 की जगह सिर्फ 100 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो पा रहा है। और ऐसे में त्योहार के मौसम में लोड शेडिंग की समस्या, बिजली की कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। सहयोगी सूरज पूरी जानकारी के साथ जुटे हुए हैं। सूरज, पूरे राज्य में बिजली संकट गहराता दिख रहा है, खासतौर पर राजधानी वासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपक, छठ महापर्व की शुरुआत होते ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा गया है और खासकर राजधानी में लगातार लोड शेडिंग कर आपूर्ति की जा रही है। हालांकि देखिए, ग्रिडों की जो मांग की तुलना है उसमें एक चौथाई ही बिजली नहीं दी जा रही है। मांग के अनुरूप राज्य में अगर हम बात करें तो 500 मेगावाट बिजली की कमी है और मांग के करीब लगभग 13 मेगावाट की थी, मतलब 1300 मेगावाट की मांग थी, लेकिन मात्र 500 मेगावाट ही बिजली दी जा रही है। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची को लगभग 350 की जगह जो इन्हें 350 मेगावाट जो बिजली मिलनी चाहिए, अब उन्हें मात्र 100 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। तो इसलिए राजधानी में अभी बिजली संकट पूरी तरह से गहरा गई है और इसकी कारण एक ही चीज बताई जा रही है, एनटीपीसी के जो फरक्का से जो बिजली की आपूर्ति हो रही है वहीं से इस बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके वजह से ये तमाम जो मुश्किलें हैं वो सामने आ रही है। दीपक, बिल्कुल, तो इस समस्या के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है सरकार? देखिए बिल्कुल, इस समस्या के समाधान के लिए खासकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने 5 बिंदुओं पर गाइडलाइन भी जारी की है और उसमें ये कहा गया है कि बिजली आपूर्ति पर जो अधिकारी है, जो लोग हैं, जो कर्मी है, वो जो अभियंता है, तमाम स्टेशनों पर, सब स्टेशनों पर अपनी नजर बनाए रखें और ऐसे कई दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि अगर इस तरह की समस्या अगर उत्पन्न होती है बिजली को लेकर, खासकर छठ पूजा को लेकर, तो वह त्वरित कार्रवाई करें। हालांकि उसके लिए देखिए, उपभोक्ता और जो पूजा समितियों के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से, उस नंबर से वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई समस्या हो तो वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बिजली विभाग तो हालांकि गंभीर दिख रही है, लेकिन जो पावर प्लांट से जो बिजली सप्लाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कटौती देखी जा रही है। इसके वजह से रांची के साथ साथ पूरे प्रदेश के जो लोग हैं अभी फिलहाल बिजली की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दीपक, धन्यवाद सूरज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो त्योहार में बिजली की कटौती लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, बिजली की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार न होने के कारण यहां लोड शेडिंग की समस्या पूरे राज्य में देखने को मिल रही है।